तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्तबा, अलबाद दुश्मन तलानत, बेशुमार, मौला अली दे कातिल तलानत, बेशुमार, पाकिस्तान दे दुश्मन तलानत, बेशुमार, मौला हुसैन दे कातिल तलानत, बेशुमार, इमाम रमाना दे मुंजरा तलानत, बेशुमार, मुलामान मौला अली ने या अली या अली हकीम जी सलामत रहो। सलवात पढ़ो बाबा ज़ेबुल हम। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआते व फी कुल्ली सआ من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد الهي بحق چار دم اسمی علیہ الصلوۃ والسلام पाक जिक्र दाए तमाम अपनी पाक बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। इस तवसल नाल बानियाने मजलिस बिलखसूस बिलखस मलिक बशीर हुसैन साहब दे तौफीकात खैर च इजाफा फरमाए। बाकी भी जितने मोमिनीन ने इस पाक जिक्र जितना जितना हिस्सा रलाए दामे दिरमे कदमे सुखने अपनी पाक बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। तमाम मोमिनीन दा इस मुकद्दस मकाम ते टुराया सह सह इबादत शुमार फरमा। हाजरीन दे जो नेक दिली हाजात पूरे फरमा। इलाही सारी पहली ती आखरी दुआ सारे बारे से हकीकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूरी ताजील फरमा। बेहके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम साढ़े इन्हों दोई नू कबूल मंजूर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिहक्के मुहम्मदिन व आलिहि लतहार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलवात पढ़ो बावाज़े बोलो। इजाजत है अपने से हाजिरी शुरू करूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله عليه والصلاة على آله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد कौलहुल हक वहुवा सकुल कायलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ततमन्नौ मा फजलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़ सलावात। जी सलामत रहो, हमेशा वस्ते रहो, आबाद रहो। कायनाते आलम दे विच खुदा दी जात ने 18,000 मखलूकात खल्क कीतियां। जरा भी इंतजार नहीं कराया, आगाज कर छोड़े मैं। 18,000 मखलूकात अर्जी और समावी खड़ा दसे ना, और इस जमीन ते जितनिया मखलूकात इन खुदा दी जात ने उन्हां को चार हिस्सों दे विच तकसीम कीते। एक खास मकसद तक तो गिन के बजना चाहना। चार किस्म दियां मखलूकात खुदा दी जात ने इस जमीन ते पैदा फरमाईयां। पहली पहली फरमाया कि जमादात, जेड़े पत्थर है ना, ये पहली मखलूक है जिन्हों को आखा मैंने जमादात। और खुदा दी जात ने तमाम को वाजे वाजे दसा दिते जमादात बनाए हिमी, लेकिन ख्याल करे सारे ही कुछ है नहीं, इन्हें चो कुछ फजीलत आले भी हैं। यार 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 एक खास मकसद तक तो गिन के वंजन चाहना। जमादात हिन सारे ही कुछ है नहीं, बाज फजीलत आलेन,
ते बाज दी बिल्कुल फजीलत ही नहीं। या मेरे मालिक दूजी केड़ी किस्म है? फरमाया नबातात, नबातात इन दरख्त पौधे। फरमाया ये भी जहन च रखा है जिमें दम जमादात ही को जहन नहीं, इवें नबातात ही को जहन कोई नहीं। जी हो या अली यार, या क्या जिमें जमादात ही को जहन नहीं, इवें नबातात ही को जहन नहीं। वते हैवानात, खुदा दी जात ने हैवानात खल किते। फरमाया तीजी किस्म है हैवानात, जिमें जमादात ही को जहन नहीं, जिमें नबातात ही को जहन नहीं। और ख्याल कर रहे सारे जानवरों को ही कुछ न समझाए, इन्हें जो कुछ फजीलत आ लेन, कुछ घट फजीलत आ लेन। या अली यार, या अली। उन्दे बाद कैडी मखलूक है? असा है। चौथे केड़े हैं? इंसान हैं। खुदा दी ज़ात ने वाजे वाजे दसा दिता है कि इंसान बेशक मैं सारियां को लिबादा बशरियत जो भेज छोड़े, लेकिन बाद शख्सियात ऐसिया हीन पिया जिन्हें को लिबादा बशरियत भेजन का सिर्फ इो कुछ मकसद आ के तुहाडे अखी उन्हां दा दीदार कर सकन। जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, चार किस्म दे मखलूकात। जमादात तो शुरू पै करेंदे हैं। जमादात दे विच कुछ पत्थर हिन पै जेड़े जमीन ते ठोकरां बदे खांदन। जमादात दे विच कुछ पत्थर हिन जेड़े जमीन ते ठोकरां बदे खांदन, और कुछ ऐसे हिन जिन्हां को खुदा दी जात ने एडी अजमत दित्ती है दुनिया उन्हां को चुमण पई वेंदी है। या अली यार, जमादात दे विच पत्थर हिन कुछ हिन जमीन ते ठोकरां बदे खांदन, और कुछ हिन जिन्हों को खुदा दी जात ने एडी अजमत दी है कि लोग उन्हों को चुमन पवेंदे जिंद विचो ही के हजरे असवद। हजरे असवद दी एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक बुजुर्ग खड़े हजरे असवद दे नाल, लोग चुमदे पैन जियारत पै करेंदन, वापस पै आंदन। जिन लदीद पई है ना, इतने लोग जियारत पर सवेदन अदे के इंदे जरिए क्यों वेंदे हो, क्यों चुमदे पे हो, क्या ये तो कोई फायदा दे सी? ये वो पत्थर है जेड़ा ना फायदा दे सकते ना नुकसान दे सकते। ये बंदे ने गल की थी, मौला मीरे के नात नाल खड़े हैं, मौला फरमाए खामोश हो बन, हजरे असवद दे बारे में ना आके, हजरे असवद वो पत्थर है पिया जेड़ा फायदा ही दे सकते नुकसान ही दे सकते। या अली यार, हजरे असवद फरमाए आम पत्थर नहीं, फायदा ही दे सकते नुकसान ही दे सकते। हुण बंदा हैरान है, आदे मौला इल्म मेरा तुहाडे बराबर है कोई ना, लेकिन तुसां दसो तो सही ये किवें हजरे असवद फायदा ही दे सकते, किवें नुकसान ही दे सकते। मौला फरमाया अब मैं ते कुछ दसावां, इस दे सीने दे विच इक तहरीर खुदा दी जात ने रखी हुई है, और वह तहरीर कहड़ी है? जरन खुदा दी जात ने रूहों को वादा किया है कि इकरार करो क्या मैं तुहाडा खुदा नहीं, जै जै तौहीद दा इकरार किया हा वह इहदे सीने दे विच महफूज है। जिरले बंदा वेंदे ना तवाफ ते हजरे असवद दी जियारत करेंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार करेंदे, खुदा दी वहदानियत दा इकरार करेंदे, कयामत अली दी हार जिरले बंदा सी अरसे महशर दे विच इस पत्थर को खुदा दी जात ने कुवत ते गोयाई दे सी, यानी कि बोलन दी ताकत दे सी, और ए पत्थर बोल के अक्सी या मेरे मालिक मैं इकरार करे ना इस बंदे तेरी तौहीद दा इकरार कीता है। या अली यार, सारे पत्थर इको जे नहीं, नबातात, नबातात दे विच सारे दरख्त इको जे नहीं। कुछ फल लालन, कोई ते फल नहीं लगता, कोई ते फल अच्छा लगता है, कुछ फल अच्छे वाले भी हैं जिन्हें जी कड़वा लगता है। मौला मीरे कैनात पे वेंदे नबियां दे सुल्तान नालिन, हिक मक्खी तवाफ खड़ी करें दी है जिमें काबा काबे दा हाजी तवाफ करें दे, तवाफ खड़ी करें दी है। मौला फरमाए के जान दे हो क्या खड़ी करें दी है, अदन दसाओ तुसन दसाओ क्या ही दाम मले। फरमाया इस मक्खी की ख्वाहिश अज नबिया का सुल्तान सारी दावत कबूल च करे। साड़ी अज ख्वाहिश नबिया का सुल्तान सारी दावत कबूल कर रहा। मतलब फरमाया इंदी दावत कबूल है, आए अली इंदे नाल वंज, इंदे नाल शहद गिन के आ, शहद गिन के आ सारियां दे विच तकसीम कर। अज हिक बहु वे राज तू परदा चवण वाला मौला मीरे कनात गए, जल्दी जल्दी शहद गिन के आए, सारिया शहद तकसीम की, सारिया ने शहद चखी। अदन मौला सा कुछ समझ नहीं आती,
ये जेड़ी मक्खी है फुला ते बन के बहंदी है, हर फुल मिठा नहीं, हर फुल कौड़ा नहीं, ये मिठे दे रस चुसेंदी है, खट्टे दे रस चुसेंदी है, कड़वे दे रस चुसेंदी है, लेकिन जर ले इंदी शहद खादी वंजे वो तो मिठी है, उन्दे भी तो जायका भी है, महसूस ही नहीं थी ना। मौला फरमाए मैं कल न पूछो, इस खुद मक्खी को पूछी लो। या अली या मेरे को न पूछो, दुआ फरमावनी है बुजुर्गो, मलिक जी दुआ फरमावनी है, इस मक्खी को पूछो, तो खुद जवाब देसी, इंदा जायका मिठा क्यों है, कड़वा भी होंदे, मिठा भी होंदे, अच्छा भी होंदे, बुरा भी होंदे, लेकिन इसकी जरले शहद चखी बंजे वो मिठी है। आदे मौला उस वेले जरले शहद दी मक्खी को पूछा, ज्ञान दसा तेरे इस जायके दा राज क्या है, आदन साकू हिक साड़ी मलका होंदी है, मलका दी तरफों साकू हुक्म दिता गई है कि जरले भावे चंगा रस चूस के आओ, चाहे जेझा रस चूस के आओ, लेकिन जरले तुसा आवने छत्ते दे विच उस वेले त्राय दफा मुहम्मद अरों दी पाक आल ते दरूद भेजने, जेझा जायका हो सी मिठा दी वे सी। यार 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 सारे जायके हिको जैनी, सारे दरख्त हिको जैनी, दरख्त च कुछ इन जिन्हां दी फजीलत ज्यादा, कुछ दरख्त इन जिन्हां ते फल लगदे ने, कुछ लगदे खारदार इन, कुछ दरख्त इन जिन्हां दे वंजन लोग पसंद करें दे, और कुछ ऐसे दरख्त इन जिन्हां दे करीब वंजन लोग पसंद करें दे ही नहीं। फरमाया खबरदार जिन्ना दे लोग वंजन पसंद करें दे, जिन्ना दे नहीं करें दे, उन्हां को करीम बराबर न समझ आए, मकसद तक बराबर न समझ आए। त्रीजी मखलूक हैवानात, हैवानात दे विच सारे बराबर नहीं, जनाबे साले दी उठनी आई जड़ी, सारे उठ बराबर नहीं, उन्हां दी उठनी दी फजीलत ज्यादा, बल्लम बहूर दा गड्डो आई, बल्लम बहूर दे गड्डों दी एक ऐसी फजीलत है, बल्लम बहूर वेंदा पे आई हुज्जत दे खिलाफ, इस दे कन्न तक गाल पहुंची, जो बल्लम बहूर वेंदा पे हुज्जत दे खिलाफ उसने इनकार कर दिता, भावे मार घात मैं कदम ही नचे सा, बल्लम बहूर मरेंदा रिया, आखिर गड्ढो मर गया। खुदा दे जाद ने फरमाया मैं कोई इंदा मल एना पसंद है भी ये सारे गड्ढा बेशक जहन्नम विच वंजन, लेकिन इस काम दी वजह तू ये जन्नत ही वैसे आ। या अली या अली सारे जानवर हिको जहे नहीं, और आखिर ते है इंसान, जी में जमादाद हिको जहे नहीं, इमें जमादाद जेड़ हिन नबातात जहे नहीं थी सकते, और जेड़े नबातात हिन ओ हैवानात जहे नहीं थी सकते, और जेड़े हैवानात इन इंसाना जहे नहीं थी सकते, और जेड़े इंसान इन अंबिया जहे नहीं थी सकते, और जेड़े अंबिया इन रसूला जहे नहीं थी सकते, और जेड़े रसूल इन उलुल आजम जहे नहीं थी सकते, और तमाम मिल के अंबिया होवेन, चाहे रसूल होवेन, चाहे वली होवेन, चाहे नबी होवेन, चाहे कुतुब होवेन, चाहे अब्दाल होवेन, चाहे कलंदर होवेन, कोई भी है, लेकिन सारिया की अगर फजीलत मिल वजे इन तमाम तो ज्यादा सारे रसूल की अजमत बुलंद है। या अली या अली उन्हां दी अजमत बुलंद, सारे जहे नहीं, उन्हां दी खुदा दे जात ने शान ज्यादा बनाई है। एक आयत है कुरान मजीद दी, लोगों ने उसका मतलब थोड़ा जहा अजीब किया, लेकिन मकसद वाजे, खुदा दे जात ने फरमाया कुल ए मेरा महबूब मुहम्मद तू आख दे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुहाडे लई कार एक बशर हाँ। लोगों ने इसका मतलब किया जो सारे जैन, लेकिन हकीकत दे विच बशर नहीं बल्कि सारे नबी खैरुल बशर है, नबी मुहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर, इन नमाद ही हकीकत है, इस हकीकत को समझना चाहिए, इन नमाद ही हकीकत है, इन नमाद तू बाद जेड़ी शय आसी आम ना हो सी बल्कि खास हो सी, इन नमाद ही हकीकत है, इन नमाद तो बाद आमण वाली शय हमेशा खास हो सी आम ना हो सी। मैं अपनी तरफों नहीं दखड़ा, कुरान मजीद दे विच चंद आयात तो सुनाउणा चाहना, इन नमाद तो बाद आमण वाली शय आम ना हो सी खास हो सी। खुदा दी जात ने फरमाया इन्नमा वलियकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुन सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन, फरमाया त्रै वली हिन, एक अल्लाह वली, एक रसूल वली, एक ओ वली है जे हालत रकूद भी जकात रीती है। फरमाया इन्नमा दे बाद तस्करा करके साकूत तुआकू नसा दिता है कि दुनिया ते बीए भी वली हिन, लेकिन जियो जाए ए हिन, यो जा कोई वली भी कोई नहीं। या अली या अली इन्नमा दे बाद आए
त्रै वलियां दा तस्करा वली बाय भी हिन लेकिन जियो जा ए त्रै वली हिन इन्हां दा मुकाबला नहीं। बई कुरान में जी दिया याद इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन तुहाडा महबूब माबूद ओ वाहिद जाते फरमाया दुनिया ते बे भी खुदा होसन लेकिन जी में ए है यो जा कोई खुदा ही कोई नहीं। यार यार त्रिजी आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा आलल बैते वयो ताहिराकुम ततहीरा खुदा दी जात ने इन्नमा दे दायरे दे विच आले मुहम्मद दी ततहीर पाकिजगी दा साकु दसा के इयो कुछ दसाए कायनात विच भी ए भी पाक तैयब ताहिर हस्तियां हिन लेकिन जिमे मैं आले मुहम्मद को पाक बणाए इयो जे पाक कहे कोई नहीं बणाया। या अली यार पाक भी ए भी हस्तियां लेकिन जिमे ए हिन इयो जे कोई नहीं। बई आयत इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन मैं तुहाकू माबूद दसाया वत फरमाया इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा मैं तुहाकू हिक नसीहत करेना। कौन नसीहत पिया करेंदे? कोई मौलवी नहीं पिया करेंदा, कोई आलिम नहीं पिया करेंदा, कोई मुफ्ती नहीं पिया करेंदा, कोई मुज्तहिद नहीं पिया करेंदा, कोई नबी नहीं पिया करेंदा, कोई इमाम नहीं पिया करेंदा, कोई कुतुब नहीं पिया करेंदा, कोई अब्दाल नहीं पिया करेंदा, बल्कि वो पाक जात भी फरमाइंदी है मैं तो को हिक नसीहत करेना। या मेरे मालिक केड़ी नसीहत? फरमाया इन्नमा आइज़ुकुम बिविलायत अली जबर अबी तालिब मैं तो को नसीहत करेना अली दी विलायत कायम रहे। या अली या अली यह है नसीहत। आओ हुण अपने मकसद दे पासे वञो यानी इन्नमा तो बात जड़ी शे आई है वह वाजे है उंदी शान ज्यादा है। खुदा दी जात ने इन्नमा दे दायरे दे विच दसाए इन्नमा आना बशरो मिसलुकुम ऐ मुहम्मद इन्हां लोगों को दसा दे मैं तुहाडे अलीकार हां बशर लेकिन अपने जे ना समझाए मैं तुहाडे तो अफजल हवे। या अली या अली खुदा दी जात ने बशर दे विच खैरुल बशर बने मुहम्मद मुस्तफा दी पाक जात को सूरह कादर तिलावत करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर हजार रातां तो अफजल रात हिका। सवाल कीता वंजे या मेरे मालिक क्यों इतनी फजीलत है जड़ी हजार रातां तो हिका रात वध गई है। अगर किसे कहे कोल पूछा वंजे तो जरूर दसे सी अदन हजार रातां तो अफजल रात इस वजह तो है क्योंकि इस रात खुदा दे जात ने कुरान नाजल कीता है। इस रात खुदा दे जात ने कुरान नाजल कीता है इस वजह तो इस रात का मुकाबला हजार रातां मिलके नहीं कर सकदियां ते जेंदे ते कुरान नाजल थी है वो तुहाडे सारे जियां किवें थी सकदा है। या अली या अली फरमाया बेशक कुरान मजीद अजमत वाली किताब है। खुदा दी जात ने चार किताबें नाजिल की तौरात जबूर इंजील और कुरान मजीद। हर किताब का खुदा दी जात ने हर कहे को वारिस बनाया। तौरात दा फरमाया मूसा तू वारिस, इंजील दा फरमाया ईसा तू वारिस, जबूर दा दाऊद तू वारिस, कुरान मजीद दा मुहम्मद मुस्तफा तू वारिस। जे तई वारिस मौजूद किताब मौजूद किताब अजी भी मौजूद है लेकिन अपनी असली हालत ते नहीं। किताब मौजूद लेकिन अपनी असली हालत ते नहीं। तौरात है जनाबे मूसा अलैहि सलाम जे तई दुनिया ते किताब महफूज जेले जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने पर्दा किया किताब अज भी है लेकिन अपनी असली हालत ते नहीं। वाते इंजील इंजील जनाब ईसा अलैहि सलाम जे ते इत्था मौजूद ओ ते किताब सलामत जेले जनाब ईसा अलैहि सलाम गए किताब आज भी मौजूद है लेकिन अपनी असली हालत ते मौजूद नहीं। बात है जबूर जबूर है जनाब दाऊद अलैहि सलाम ते जे ते जनाब दाऊद अलैहि सलाम मौजूद ओ ते किताब अपनी असली हालत ते मौजूद जेले जनाब दाऊद अलैहि सलाम ने पर्दा किया किताब अपनी असली हालत ते मौजूद नहीं। कुरान मजीद दा वारिस है रसूल पाक जे ते मौजूद किताब वत भी सलामत अज मौजूद हिन भी सही या नहीं वत भी किताब सलामत है। वजह क्या है? उसकी वजह है भाई तौरात दा वारिस कोई नहीं, इंजील दा वारिस कोई नहीं, ज़बूर दा वारिस को नहीं, लेकिन कुरान दा वारिस अजी भी पर्दे गबद विच मौजूद है। या अली या अली तौरात ज़बूर इंजील वारिस कोई नहीं, किताबें मौजूद लेकिन अपनी असली हालत ते नहीं। कुरान अज ता मौजूद है क्योंकि उनका वारिस अजी भी पर्दे गबद विच मौजूद है। एक फिक्र है बड़ी खूबसूरत फिक्र है कौन कहता है
कौन कहता है कि बारवां पर्दे में है। तवज्जो फरमाओनी है, फिक्र है, बड़ी खूबसूरत फिक्र है। कौन कहता है कि बारवां पर्दे में है, पर्दा आंखों पे पड़ा है, वो कहां पर्दे में है? अपने अखी तो पर्दा हटाओ ता वारिस नजर आसन। अगर वारिस नाल भी बैठे हो मैं अगर अखी दे पर्दे तो वारिस नजर ही कोई नहीं आना। कयामत दा दिहाड़ा, बस आखिरी जुमले ते आ गया, कयामत दा दिहाड़ा एक गुनाहगार उसी जे को गिन के वैसे जहन्नम वाले पासे। बस इन अल्फाज के इख्तिताम में इसी के बादशाह को मिंबर, बंदा वैसी जहन्नम वाले पासे। खुदा दी ज़ात फरमाईसी फरिश्तियों को इंदी एक अमानत है, मेरे को एक अमानत दे चाहिए बख्शिश थी वैसी। या मेरे मालिक कैसी अमानत? फरमाया वंजो एक मोती चा के गिनो, मोती इंदे हत्थां ते रखो, मोती असी हत्थां ते, वो बंदा हत्थां ते चैसी इतना नूरानी रूहानी रोशनी वाला मोती हो सी पूरे अरसे माशर जगमगा उठ सी, मोती हो सी हत्थां ते। ए बंदा खुदा, ए मेरा गुनाहगार बंदा, यही नहीं तमाम अंबिया दे सफा, यही नहीं रसूलों दे सफा, यही नहीं ऐम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सफा। वन के इंदी कीमत लवा देवे कहें को ना, इंदी कीमत मैं तक अल्लाह अदा करे सा। मोतिए इंदी कीमत मैं तक अदा करे सा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे सामने मोती हाथों से चाकिया से, यार नबी अल्लाह मोती की कीमत लो। फरमाया सनी दी कीमत मैं नहीं लेंदा। इब्राहिम को वन, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लासी इंदी कीमत, फरमाया इंदी कीमत मैं नहीं, इंदी कीमत मूसा अलैहिस्सलाम को वन। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को लाके अक्सी के इंदी कीमत मैं नहीं लावणी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को वन, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लासी इंदी कीमत, फरमाया इंदी कीमत मैं नहीं लावणी। मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम, मुहम्मद मुस्तफा को लाके अक्सी मौला इंदी कीमत, फरमाया मैं ना लेसा, मेरी धी सैयदा लेसी। जनाब सैयदा को मोती चाह के आसी, पाक सैयदा इंदी कीमत, पर मैं इंदी कीमत मैं नहीं, मेरा पुत्र हसन लैसी। मौला हसन अलैहिस्सलाम दे सामने जिले मोती चाह के आसी ना, मौला दे हंजुल हुसैन, मौला पर मैं से इंदी कीमत मैं नहीं, मेरा भिरा हुसैन लैसी। अजरकुम अल्लाह, ऐ मोमिन मर्द आबाद हो, मैं तेरे कीते कार रवा नहीं, तू नाल खलूस दे आया कर या विच मजलिस दे आ नहीं, क्यों मता पासे नाल सजाद होवे, उन्दे दुखे होए जख्म दुखा नहीं, जिड़े वाल खुले हन शाम दे भी दोबारा वाल खुला नहीं। अजरकुम अल्लाह, जियो सलामत रहो। मेरा दिल है तुहाडे अखी चो हंजू नजर आंदियां पियां, तुहाडे हंज दी कदर ना दसा। किताब लवाए जो लहजान वाला लिखदा है, एक बंदे को ख्वाब दे विच मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत थी सी, जिले ज़ियारत थी ये क्या प्या दे दे दिठा ये कुछ सी, मौला दे जख्म विच जख्म उमे ताज़ा हिन, और ख्वाब तो बेदार थी कि पूरी रात रोंदा रिया, पूरा दिन रोंदा रिया। बंदे सवाल किया कल दस ते कुड़े दे पे तेरे गिरिया अबू ज्यादा बुलंदे, वजह क्या है? अदे रोवाना था भी क्या कर, मेरे मौला दी ज़ियारत थी सी, अदे मैं खुशी थीमनी चाहिए जो मौला दी ज़ियारत थी, अदे ज़ियारत दी खुशी है, लेकिन जेडी मौला दी हालत है उदे ते रोना, मैं इतना रोंदा इस वजह तू हां मौला इतने बड़े मजलूम 1400 साल बाद आज भी जख्म तोरे ताजा हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अका 1400 साल गुजर गए अजी भी उए जख्म ताजा, पूरा नहीं रोंदा रिया। अगली रात जले आइए ना, वत ख्वाब च मौला दी ज़ियारत थई सी, जले ज़ियारत थई सी क्या डिठे सी, सारे जख्म ठीक थी गए, मौला दे दो जख्म बाकी रह गए। अजरकुम अल्लाह, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है, दो जख्म बाकी रह गए, मोमिन मौला दे कदमा ते हटा ख्वाब दी हालत च, अते मौला दे शासक दे वे जख्म ठीक किवें थेन, और ए दू जख्म किवें हिन, ए जेडे ठीक नहीं थी वे थे पे। मौला फरमाया मैं ते कुछ समा कल ही तुहाडे इलाके दे विच मजलिस जाकर ने पढ़ा हई मसाइब, मोमना दे अखी चो आए न हंजू, फरमाया मैं दसावना चाहना तू भी मोमना तक पैगाम पहुंचावे, मोमना दे अखी चो आए हंजू, मैं हुसैन दे जख्मा दा मरहम बन दिया।
अजरकुम अल्लाह मोमना दे अखी चो आया हुआ हंजू मैं हुसैन दे जख्म बनम बढ़िया चौथे शहन चपा की मैं जैन अलाबदीन अलैहिस्सलाम को पूछा गया ना मौला तुहाडे बाबे दे बदानी जो जख्म ही जो जख्म है मौला दसा सकदे वे जख्म है न कितने मौला फरमाया तादाद मैं दसा नहीं सकदा सिर्फ इतना दसे ना मेरे बाबे दे बदन दे विच जख्म विच इतने जख्म है इस अंगुश्तरी दे नगीने दे बराबर ही जगह खाली को नहीं इतने जख्म है सजे दी हवा खबे गुजर वेंदी है खबे दी हवा सजे गुजर वे अजरकुम अल्लाह आखिरी जुमला इतने जख्म अदे मौला सारे जख्म ठीक थी वैसन मौला ये दू जख्म कैसे जड़े ठीक नहीं पे थींदे मौला फरमाए ओ दू जख्म इन जड़े कयामत तक ठीक नहीं थीवणे अगर पूछ की दई ता मैं ते कुदे समा इना दू जख्मा दे विचो एक जख्म है सीने दा जख्म दूजा है पासे दा जख्म फरमाया जड़ा सीने दा जख्म है मेरे पुत्र अली अकबर दा जख्म है जड़ा पासे दा जख्म है मेरे भेरा अब्बास दा जख्म है अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिम।